Let's do question number 9th of exercise 14A, that is height and distance. Question number 9th is, the angle of elevation of the top of an unfurnished tower at a distance of 75 meter from its base is 30 degree. वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा जो अनफिनिश्ड टावर का जो कि 75 मीटर के डिस्टेंस पे है उसके बेस से वो 30 डिग्री है. तो ये देखिए ये हमारी मान लीजिए अनफर्निश्ड टावर है और ये उसका बेस है जो कि 75 मीटर के डिस्टेंस पे है उससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो देखिए कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है. तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री. तो वो कह रहा है टावर को और कितना ऊपर बनाया जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से 60 डिग्री बन जाए. तो मतलब अगर हम इस टावर को और रेज कर देते हैं तो कितना रेज किया जाए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो 60 डिग्री बन जाए, ये हमारा 60 डिग्री बन जाए, ये कितनी रेज की जाए ये निकालना है. तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं. पहले ये आ गया ए बी सी और डी, राइट. अब हमें अनफर्निश्ड टावर नहीं पता तो लेट द हाइट ऑफ अनफर्निश्ड टावर है अनफर्निश्ड टावर की हाइट है हमारी एच मीटर, राइट. अब हमारी ये एच मीटर है, बी सी एच मीटर मान ली हमने, अनफर्निश्ड टावर यही थी तो इसको एच मीटर मान लिया. तो हमारा देखिए दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी में और ए बी डी में हमारा परपेंडिकुलर कुछ पार्ट और बेस कॉमन है तो इसका मतलब हमारे को 10 की वैल्यू लगेगी. तो 10 30 डिग्री कितना आ गया, 10 30 डिग्री का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बी सी अपॉन बेस ए बी. अब 10 30 डिग्री की वैल्यू होती थी 1/√3 और बी सी हुआ हमारा एच और ए बी हुआ हमारा 75. तो एच कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की मल्टीप्लाई √3 के साथ इक्वल्स टू 75. तो एच आ गया हमारा 75/√3, राइट. तो हम √3 रैशनलाइज कर दीजिए तो ये आ गया हमारा 75√3/√3 इंटू √3 इज 3. तो ये आ गया 3 1s 3, 3 2s 6, 3 5s 15. तो हाइट आ गई अनफर्निश्ड टावर की 25√3, राइट मीटर. अब हमसे कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ये कितनी ऊपर रेज की जाए कि ये जो हाइट है ये मतलब कि ये 60 डिग्री का एलिवेशन बनाए, मतलब ये पूरी हाइट निकालनी है, बी डी निकालनी है हमें. तो मान लीजिए ये एक्स मीटर रेज की गई, हमने एक्स मीटर रेज कर ली तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए हमारा फॉर्मूला बना 1060 ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है. तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा बी डी और बेस हुआ हमारा ए बी. अब बी डी कैसे निकलेगा, देखिए बी डी देखें तो बी सी प्लस सी डी, बी डी हमने कहा बी सी प्लस सी डी. अब बी सी था हमारा एच और सी डी था हमारा एक्स और h आया है हम अभी अभी हमारा निकल के आया h 25√3. तो हमने इसको लिख दिया 25√3 प्लस x, राइट. अब हम 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है तो √3 इक्वल्स टू 25√3 प्लस x अपॉन ए बी. हमारा कितना दे रखा है, ए बी देखिए हमें दे रखा है 75. तो ये आ गया
75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आया 75 इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू 25 रूट थ्री प्लस एक्स। तो एक्स निकालना है हमें, तो यह आया 75 रूट थ्री इक्वल्स टू 25 रूट थ्री प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 75 रूट थ्री माइनस 25 रूट थ्री, तो ये आ गया हमारा 50 रूट थ्री, राइट। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना रेज किया जाए कि ये 60 डिग्री एंगल एलिवेशन बन जाए। तो दैट मीन्स ये पार्ट निकालना है, तो ये हमारा निकल के आया 50 रूट थ्री। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 50 रूट थ्री का मतलब है 50 इंटू रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, राइट। तो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, थ्री जीरोज लग गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, तो ये कितना आ गया 5 2 10 कैरी 1, 15 16 कैरी 1, 36 3 कैरी 8 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 86.6 मीटर। तो इसका मतलब हमने अनफर्निश्ड के ऊपर कितनी ऊंची टावर बनाई, दैट इज 86.6 मीटर हाइट की टावर और बनाई कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ जाए। आंसर